तो हमें आज के बाद जिस तरह से मुंह की सफाई करते हैं, जिस तरह से मुंह धोते हैं डेली, धोते हैं सभी लोग? कितने लोग धोते हैं? सारे लोग? सारे लोग देखिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो पीछे वाला सर आप भी धोते हैं क्या? धोते हैं तो है ना, तो गालियां मतलब क्या, अगर रोज धोते हैं, सारे बीमारी का कारण क्या है? कचरा। हम खा के कचरा कर लिए, हम स्किन से उल्टा सीधा लगा कचरा कर लिए, तो इन कचरों का जब तक सफाई नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो जैसे दांतों की सफाई करते हैं ना, उसे आंतों की सफाई करेंगे तो हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दांतों की तो सफाई कर लिया, आंतों की सफाई नहीं कर पाए। इसलिए आज के बाद हेल्थ बनाना है, आज के बाद स्वस्थ रहना है तो हमें आयुर्वेद अपनाना है। आयुर्वेद आयु प्लस वेद, उम्र को बढ़ाने वाला साइंस, ऐसे को अपनाना है जिससे हम जो है, जैसे पूर्वज हमारा जो है पैर हाथ टूटता था क्या अपनाते थे? आयुर्वेद। पूर्वज को कुछ भी हमारा, जैसे देखिएगा पहले जमाने में नीम है ना, कुछ भी होता था नीम, पहले जमाने में कुछ भी होता था तो कूट पीस के खिलाते थे आयुर्वेद। आजकल क्या करते हैं, कुछ भी हो गया कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो आयुर्वेद को लोग छोड़ने लगे? पूरी दुनिया को हंसाने वाले, उनके होठों पर हंसी देने वाले राजू श्रीवास्तव जी का आज निधन हो गया। 40 दिन पहले आपको ध्यान होगा, 40 दिन पहले होटल के जिम में वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, वहाँ पर अचानक उनको हार्ट अटैक आता है। उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पिछले 40 दिन से वो एम्स हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, लेकिन आज उनका निधन हो गया। लेकिन राजू श्रीवास्तव की मौत को भले ही आप मौत माने, निधन माने, लेकिन मैं उसको मर्डर मानता हूँ। अब आप कहेंगे कि अगर ये मर्डर है तो इस मर्डर का दोषी कौन है? तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मर्डर का दोषी कौन है। इस मर्डर का दोषी है सबसे पहले वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जो पिछले काफ़ी साल से राजू श्रीवास्तव का इलाज कर रहे हैं और उनकी बॉडी में, उनकी आर्टरीज में 9 स्टेंट वो डाल चुके हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है और वो नेचुरोपैथ आयुर्वेद में जाता है तो उसके बाद ज़िंदगी में उसे आगे कभी हार्ट अटैक नहीं आता। लेकिन अगर आप एलोपैथ की बात करते हैं, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो बार बार उनको हार्ट अटैक आता है। और जिस तरह राजू श्रीवास्तव के केस में आपने देखा कि उनके आर्टरीज में ऑलरेडी 9 स्टेंट डाल चुके थे, 10वां स्टेंट उन्हें एम्स में दोबारा से डाला गया। दूसरे नंबर पर जो दोषी है वो है ये करप्ट सिस्टम। जी हाँ, ये वो करप्ट सिस्टम है। जब कोविड आया था, कोविड में आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ इन सब ने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि हम इसका इलाज कर सकते हैं, हम इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन एलोपैथ ने बोला कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बावजूद इस करप्ट सिस्टम ने जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं, जितने भी छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, सबको बंद करा दिया। और उसके बाद जो एलोपैथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, सारे के सारे पेशेंट्स को उन्हीं हॉस्पिटल में, उसी एलोपैथ में भेजा गया। ये है वो करप्ट सिस्टम। और इसके बाद अगर कोई दोषी है तो वो है हम लोग। हम लोग कभी भी कोई सीखने की कोशिश नहीं करते, हम लोग कभी भी कुछ नया अलग करने की कोशिश नहीं करते। जब मेरे को हार्ट अटैक आया था तो उस समय भी लोगों ने कहा था कि तुम्हें स्टेंट डलवाना चाहिए या तुम्हें बाईपास कराना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कराया और मैंने खुद नेचुरल डाइट से अपने आप को ठीक किया। तो अगर हम थोड़ा सा अवेयर हो जाए तो काफ़ी स्थिति हम अपने आप की ठीक कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, क्या हमें ये सब चाहिए? तो अगर हम बात करते हैं कि हमें चाहिए क्या, क्या हमें फॉरेन रिटर्न्स डॉक्टर चाहिए जो इतने बड़े डॉक्टर विदेशों से सीख के आते हैं, क्या हमें ये डॉक्टर चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें चाहिए हेल्थ एजुकेटर जो हेल्थ पर एजुकेट कर सके, लोगों को बता सके आपको क्या खाना सही है और क्या खाना गलत है। अगर इतना कर दिया तो ये सारे हॉस्पिटल 5 साल के अंदर बंद हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि क्या हमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट है जो इतनी डिमांड होती है, मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, बहुत हॉस्पिटल खुलने चाहिए, हमारे देश में हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है, क्या हमें ये चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें चाहिए वेलनेस सेंटर। अगर हमारे देश में वेलनेस सेंटर मिले और वो बताएं कि किस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, किस तरह से आप नेचुरल तरीके से इसको ठीक कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं क्या हमें मेडिसिन और इंजेक्शन की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। हमें ज़रूरत है शुद्ध अनाज की, हमें ज़रूरत है शुद्ध खाने की। अगर हमारे पास शुद्ध खाना, शुद्ध अनाज है, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारी सरकार ने 1000 करोड़ रुपये लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट्स लगवा दिए, मतलब ऐसे लग रहा था कि ये दुनिया हमेशा बीमार ही पड़ी रहेगी और हमेशा बीमारी पड़नी है। क्या हमें इसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है शुद्ध एनवायरमेंट की, हमें ज़रूरत है शुद्ध हवा की। क्या ये शुद्ध हवा हमें दे पा रहे हैं?
क्या हमें जहरीली हवा नहीं दे रहे हैं? तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। अब मैं बात करता हूं कि अगर हमें जिंदा रहना है, क्योंकि जान हमारी जानी है, जान आपके आपके परिवार के लोगों की खतरे में है, तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो सबसे पहले हमें अवेयर होना पड़ेगा, अवेयरनेस हमारे अंदर चाहिए कि किस तरह से हम अपने भारत की पैथी से अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं और कभी भी हमारी बीमारियां ऐसी नहीं होंगी कि हमें इतनी खतरनाक स्थिति में जाना पड़ेगा। आयुर्वेद को कूट पीस के खाना होता है तो इसमें खाने में दिक्कत होती है ना, जैसे खांसी हो गया किसी को, है ना। अब आपको जो है खांसी सिरप बनाना है तो आप तुलसी का पत्ता, है ना, अदरक का रस, मधु रस, है ना, हनी, उसको मिक्स करके, बाकस जो पत्ता आता है उसको मिला के, उसको थोड़ा जला के मिक्स करके दे दीजिए, पूरा खांसी, गांव का नहीं बोलते कुकुर खांसी, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कौन पीसेगा, कौन देगा? इसलिए हम लोग कहां भाग गए, सीधा बना बना हॉस्पिटल में मिल जाता है सिरप, खांसी सिरप, है ना, एकदम ऐसे बना बना, है ना, मिल गया। तो हम लोग क्या किए, बच्चे को खांसी हो रहा है पास ढक्कन खोले ले, बुखार हुआ ढक्कन खोला ले, इधर से खाया पिया ठीक नहीं हुआ तो इंजेक्शन निकाला ले, काहे जल्दी जल्दी, काहे जल्दी जल्दी, जल्दी ठीक करना है, फटाफट फटाफट, इसलिए आजकल फटाफट पैदा हुआ फटाफट मर गया, काहे भाई जल्दी जल्दी, हॉस्पिटल में पैदा हुआ हॉस्पिटल में मरा जल्दी जल्दी। पहले जमाने में क्या होता था, घर में पैदा हुआ घर में मरता था, लंबे समय तक जीता था, और आज हो गया उल्टा, काहे सब फटाफट फटाफट। तो भाई ऐसा काहे होने लगा, क्योंकि आयुर्वेद को इस्तेमाल करने में दिक्कत होने लगा। रो पर में नीम को खाना है तो तीता का सहकार, पहले बोलेगा हमसे नहीं होगा, है ना। कोई अगर बोले खुजली में नीम का पत्ता दे रहे हैं, बोलेगा बाप तीता है कसा है कड़ा है, उल्टी होगा, पहले पूछेगा 10 गो सवाल, है ना। तो कंपनी भी सोचा अच्छा दिक्कत यहाँ है, तो आयुर्वेद को मॉडर्न तरीके से आपकी कंपनी ले आया। और आयुर्वेद कहा जाता है कि प्रिवेंशन पे काम करता है, दवा खाओ बीमारी ना पड़ो, लेकिन अंग्रेजी दवा भी काम करता है, लेकिन वो सिर्फ ट्रीटमेंट। आपको अंग्रेजी दवा जब भी चलाना है तुरंत रिलीफ के लिए, लंबे समय तक चलाएंगे तो आपको नुकसान करेगा। इसलिए आज के बाद आयुर्वेद को LS कंपनी स्टैंडर्ड तरीके से ले आई। हेलो, कैसे ले आई है, स्टैंडर्ड तरीके से। अब आपको खाने में दिक्कत नहीं, नीम खाना है, कंपनी ने टेबलेट बना दिया, ऐसे क्या बना दिया, ऐसे टेबलेट बना दिया। अब इसको खाने में दिक्कत नहीं, तीता लगता है नहीं खाते हैं, कंपनी वाला टेबलेट बना दिया, मुंह में डाल घट से उतार दे, तीता लगेगा उधर जाके लगेगा इधर नहीं लगेगा। अब नीम भी खा लिए, टेंशन भी फ्री हो गया, क्या हो गया स्टैंडर्ड, खांसी सिरप कंपनी बना दिया, आप ढक्कन खोलो ले, है ना। लहसुन का टेबलेट देखिए, लहसुन गार्लिक, है ना, हमारे शरीर में पूरे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, कोलेस्ट्रॉल को गला देता है, लेकिन अगर ऐसे खाते रहेंगे तो मुंह महकेगा, कोई बोले लहसुन खा क्या है बोलता है, कंपनी बोला अच्छा मुंह महकता है, ब्लड टेबलेट बना दे, मुंह में डाल घर से उतार, महकेगा थोड़ा उधर जाकर, इधर तो नहीं, तो क्या होगा स्टैंडर्ड। अब आपकी कंपनी पूरे स्टैंडर्ड तरीके से आयुर्वेद को बना दिया, खाने में पीने में कोई दिक्कत नहीं है, ना बेचने में, काहे बेचने के लिए आयुर्वेद को ड्रग्स का लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी दवा को बेचना है तो लाइसेंस है, लेकिन अंग्रेज आयुर्वेद को बेचना है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप बचपन में आपकी माँ चोट लगे थे, हल्दी का लेप लगाई थी, आप पूछे थे तेरा सर्टिफिकेट किधर है, नहीं ना, हाँ काहे, क्योंकि आयुर्वेद को इस्तेमाल करने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो ना खाने के लिए जरूरत है, ना बेचने के लिए जरूरत है, इस आयुर्वेद को कोई भी बेच सकता है, सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। हेलो,